हेलो गाइस, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नीतीश कुमार क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। आज गाइस, आपका एक टर्म बिजनेस में आपका दिया हुआ नहीं पता चलेगा कि बिजनेस में क्या रहा है, क्या जा रहा है, वहां पे क्लियर नहीं हो पाएगा। जैसे रेंट पेड किए, पता नहीं चल पाएगा कि क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कैसे पता चलेगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आप लोग दोस्तों से शेयर एंड सब्सक्राइब कराते रहिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो आप भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक जरूर करें। गाइस, ये मेरा गारंटी है कि आप लोग को जो है इस चैनल से आप लोग को टाइम, एनर्जी और मनी की बचत होगी। आपको जो है दूसरे चैनल में जाने की जरूरत नहीं है। गाइस, मैंने आप लोग को बता चुका हूँ कि इसी चैनल में आप लोग को स्पोकन इंग्लिश, आपका GS, GK और मैथमेटिक्स चालू हो चुका है। आप लोग जाके वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। चलते हैं गाइस, सीधा आपका टॉपिक में चर्चा करते हैं। आपका टॉपिक है, आपका एंट्री पास करना है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ LG Limited के बुक में आपका एंट्री पास करना है। बहुत ही मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। देखिएगा गाइस, आपका जो है यहाँ पे क्वेश्चन है कि LG Limited के बुक में एंट्री पास करें। तो गाइस, सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप फॉर्मेट खींचेगा। फॉर्मेट आप लोग के सामने खींचे हुए हैं, आप लोग स्केल से खींचेगा। सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ रहता है गाइस, LG Limited, ये है बिजनेस का नाम। आप जो है यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ में आप भरिएगा, इसका फॉर्मेट खींचेगा। अब चलते हैं गाइस, सीधा आपका क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, January 10 को रेंट पेड किए 6000 का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेंट पेड किए, किराया भुगतान किए आपने, आपको यहाँ पे बिजनेस माने रेंट पेड किए। पेड का मतलब था पैसा जाना। आपको ये पता चल रहा है कि बिजनेस से आपका जो है पैसा क्लियर तरीके से जा रहा है, जाने वाला तो पता चल रहा है, लेकिन आप सोच के देखिए क्या आ रहा है, वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। रेंट पेड किया, पैसा तो जा रहा है लेकिन आने वाला पता नहीं चल रहा है, नहीं पता चल रहा है गाइज। तो क्या करें ऐसी स्थिति में? तो गाइज देखिए, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, जो आपका पैसा जा रहा है ये तो क्लियर है कि जो बिजनेस से जाता है उसको हम लोग 2 में लिखते हैं, तो यहाँ पे 2 कैसे काउंट हो जाएगी, लेकिन आ क्या रहा है ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे जो है जो नाम दिया हुआ रहेगा, जो खर्चा या जो इनकम होगी उसका नाम दिया रहेगा, उसको आपको जो है एंट्री में लिखना है। तो यहाँ पे आ क्या रहा है, तो नाम आ रहा है, नाम के रूप में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक्सपेंसेस का नाम दिया हुआ है रेंट, तो आने वाला यहाँ पे हो जाएगा रेंट और जाने वाला में हो जाएगा कैश। क्योंकि पेड जब भी क्वेश्चन लिखा रहेगा गाइस, तो आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा, पेड का मतलब हो रहा है यहाँ पे पैसा जा रहा है। तो क्या लिखेगा आपका यहाँ पे, सबसे पहले लिखेगा January 10 आपका, ये मान लेते हैं आपका 2017 का है, 2017 लिखेगा। और यहाँ पे गाइस सबसे पहले रेंट पेड कर रहे हैं, तो आ रहा है आपका नाम, तो आने के बदले में आप लिखेगा रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट आपने आपको बिजनेस मानिएगा तो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा उस। और जाने वाला में क्या लिखिएगा गाइस, आपका जा रहा है टू कैश, क्या लिखिएगा टू कैश अकाउंट। नरेशन में आपको क्या बोले थे गाइस, कि आप जो है क्वेश्चन वाला आप जो है प्रिंट कर दीजिए, बीइंग रेंट पेड, रेंट पेड आपका लिख दिए, और क्वेश्चन में जो दिया हुआ है अमाउंट आपको लिखना बहुत ही जरूरी है गाइस। यहाँ पे आप लिखिएगा 600 और इधर लिखिएगा 6000 है, कोमा जो है 3 आपका डिजिट के बाद पड़ती है, और यहाँ पे जो है इसके सीध में हो जाएगी 6000 रुपीज। ये आपका हो गया गाइज रेंट पेड का। आप इसे गाना भी पास कर सकते हैं, क्या बोले थे, आते 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 रेंट डेबिट हो गई, जाते 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 कैश क्रेडिट हो गई, हो गया गाइज। यहाँ पे आप लाइन खींच दीजिएगा स्केल से। इसके बाद गाइज देखिए, आपका सेकेंड जो दिया हुआ क्वेश्चन में ये है January 12। बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग उसको डेट जो यहाँ पे जो स्पी दिया हुआ है अगेन लिखते, ये लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि जर्नल का नियम है कि एक बार लिखने के बाद दोबारा नहीं लिखा जाता है, जब तक अनलेस से अंटिल आपका वर्ष चेंज ना हो जाए गाइस। देखिए यहाँ पे कमीशन रिसिप्ट, जब भी क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा रिसिप्ट, तो रिसिप्ट का मतलब आप समझिएगा पैसा आ रहा है, मनी इज कमिंग इन बिजनेस, लेकिन जा क्या रहा है गाइस, यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है जा क्या रहा है। तो आपको क्या बोले थे थोड़ी देर पहले, जब जाने वाला या आने वाला पता नहीं चलेगा तो पक्का है, श्योरली है कि वहां पे नाम दिया रहेगा और नाम के रूप में है कमीशन। तो आ रहा है आपका बिजनेस में क्या, हम अपने आपको बिजनेस मार रहे हैं तो कैश आ रहा है, रिसिप्ट का मतलब पैसा आना, तो यहां पे लिखिएगा कैश अकाउंट डेबिट लिख दीजिएगा।
और इसके बाद जा क्या रहा है, तो बोले थे जाने वाला नाम दिया हुआ है, तो नाम के बदले लिखेगा टू कमीशन, टू कमीशन, टू कमीशन अकाउंट हो जाएगी गाइस। और यहां पे आपको लिखना पड़ेगा बींग, बींग में क्या बोले थे कि क्वेश्चन वाला आपको प्रिंट कर देना है, यहां पे लिखा हुआ है कमीशन, तो लिखिएगा कमीशन आपका रिसिप्ट, क्या लिखिएगा आपका कमीशन आपको लिखना है, रिसिप्ट आपका दिया हुआ है। आफ्टर दैट यू हैव टू ड्रॉ लाइन, आप लाइन खींच दीजिएगा, अमाउंट दिखेगा इस कितना दिया हुआ है 1000, तो यहाँ पे लिखिएगा 1000 और इसके सीध में लिखिएगा 1000, ठीक है गाइस। तो अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट आपका, क्योंकि टॉपिक आपको मालूम लिखा हुआ कि जब बिजनेस में एक साइड का पता ना चले तो क्या करें, तो सेम आपका क्वेश्चन है जनवरी आपका 15 में। तो देखिए गाइस यहाँ पे खर्चा और एक्सपेंसेस, इनकम और एक्सपेंसेस की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखिए रेंट रिसीव्ड हो रहा है, तो रिसीव्ड जब भी क्वेश्चन में दिया रहेगा मींस यू हैव टू अंडरस्टैंड मनी इज कमिंग, पैसा आपका आ रहा है, तो पैसा जब आ रहा है हम अपने आप को बिजनेस मान रहे हैं, तो आप जो है आराम से जो है यहाँ पे लिखिएगा कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि रेंट रिसीव्ड हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा गाइस। और जा क्या रहा है भाई, जा रहा है यहाँ पे क्या बोले थे, नाम दिया हुआ है, नाम को आपको लिखना है, रेंट है तो यहाँ पे लिखेगा टू रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट लिखेगा, तो यहाँ पे आपको जो है एंट्री में जो है आपको नरेशन में क्या करना है ये आपको क्वेश्चन में प्रिंट कर देना है। अगर आप ट्रांसलेट नहीं जानते तो गाइस आप लोग के लिए स्पोकन इंग्लिश बनाए हुए हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा, वीडियो शाम में अपलोड की जाती है, सॉरी शाम में नहीं, इसके बाद ही तुरंत आपका जो है कुछ देर के बाद आप लोग स्पोकन इंग्लिश के लिए भी अपलोड हो जाएगा, वहां पे देख के आप स्पोकन जो क्लासेस वहां से सुधार लीजिएगा। बींग आपका जो दिया हुआ है रेंट रिसिप्ट, क्या लिखिएगा रेंट रिसिप्ट, यहां पे लिख दिए, लाइन खींचेगा गाइस कितना दिया हुआ आपका 500 रुपीज, यहां पे लिखिएगा 500, यहां पे लिखिएगा 500 रुपीज, ठीक है गाइस। अब इसके बाद देखिए गाइस आपका जो दिया हुआ है जनवरी आपका जो है आपका 20 को क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सैलरी पेड, सैलरी जो है यहाँ पे भुगतान कर रहे हैं मतलब दे रहे हैं, पेड का मतलब क्या बताए थे, पेड मींस मनी इज गोइंग फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से आपका जो है पैसा जा रही है, पेड का मतलब जाना, आ क्या रहा है, तो बोले थे नहीं पता चल रहा है, तो आने वाला पक्का नाम दिया रहेगा, नाम है एक्सपेंसेस का नाम है सैलरी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सैलरी अकाउंट डेबिट, अपने आपको हम बिजनेस मान रहे हैं तो बिजनेस में नाम आ रहा है, नाम है खर्चा का नाम सैलरी अकाउंट डेबिट लिखिएगा। और जाने वाला में आपका जो दिया हुआ है सैलरी, जाने वाला में आपको हो जाएगा टू कैश, टू कैश अकाउंट लिखिएगा। अब एंट्री में आपको नरेशन में क्या करना है, क्वेश्चन आप प्रिंट कर दिए, बींग जो दिया हुआ है सैलरी पेड, सैलरी पेड लिख दीजिएगा, और अमाउंट जो दिया हुआ है 1000, यहाँ पे लिखेंगे 1000 और इसके सीध में आपका हो जाएगा 1000 रुपीज। लास्ट आपका बचा हुआ गाइस, यहाँ पे भी आपका स्केल से खींचना है, और लास्ट में जो दिया हुआ है वेजेस पेड, मींस आपको क्या समझना है कि वेजेस पेड कर रहे हैं, तो वेजेस पेड का मतलब क्या, पेड मतलब मनी इज गोइंग, पैसा आपका जा रही बिजनेस से, टू में तो पता चल गया लेकिन आने वाला पता चल रहा है क्या, नहीं पता चल रहा है गाइस, लेकिन यहाँ नाम दिया हुआ है तो आ रहा है बिजनेस में नाम, एक्सपेंसेस का नाम आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा वेजेस अकाउंट डेबिट, क्या हो जाएगा वेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगी, और जो है जा रहा है आपका पैसा आपका, तो टू लिखिएगा कैश आपका जो है यहाँ पे लिखा जाएगा। बिंग में आप क्या कीजिएगा, नरेशन में आपका क्वेश्चन वाला जो है प्रिंट कर दीजिएगा, जो दिया हुआ है 500, यहाँ पे लिखिएगा 500 रुपीज, यहाँ पे लिखिएगा 500 रुपीज। तो ये गाइस था गाइस आज जो था पता ये चला कि जब बिजनेस में एक साइड का पता ना चले तो क्या करें। तो गाइस मैंने बोला था शुरुआत में कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आज आप लोगों के लिए कोटेशन फिर से लाया हूँ, देखिए इंग्लिश में एक स्टेटमेंट है, योर नॉलेज इज योर एसेट, ज्ञान आपका संपत्ति होता है गाइस, लोग जो है ज्ञान को संपत्ति नहीं समझते हैं, नॉलेज इज योर एसेट, ज्ञान एक संपत्ति होता है, क्योंकि आप जब अभी अध्ययन कर रहे होंगे तो इन फ्यूचर में जब आप अच्छा से पढ़िएगा तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आप कहीं पे अच्छे जहाँ पे आपका जो है अपॉइंटमेंट हो जाएगी, टीचर बन जाएगा, प्रोफेसर बनिएगा या बैंकर बनिएगा, तो कहीं ना कहीं जो नॉलेज होती है वो संपत्ति का काम करता है गाइस। तो आप लोग ये नहीं समझिएगा कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो समय आपको गंवा रहे हैं, नहीं ये गलत है, हमेशा जो होती है टाइम जो होती है वो आपका जो होती है टाइम, और यहाँ पे नॉलेज, यहाँ पे नॉलेज का बात करें, नॉलेज जो आपके लिए संपत्ति का काम करता है,
तो गाइस ये था आज का वीडियो, आप लोग जो है आप लोग दोस्तों से शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग करवा रहे होंगे, अगर नहीं करवा रहे तो आप लोग करवाते रहें, और आप भी नए हैं तो आप भी कर दीजिएगा, ताकि आपका नोटिफिकेशन का जो आपका घंटी है आपका बिल स्क्रीन पे मतलब स्क्रीन पे आ सके, और आप भी जो है अपने दोस्तों को आप जो भी स्कूल में है कॉलेज में है और कहीं भी जुड़े हुए हैं आप लोग बताते रहें। ठीक है गाइस, इस चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।